सत श्री अकाल जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थप्पड़ पड़ा कंगना रंगावत को, अरे भाई मुझे इतने मैसेज क्यों कर रहे हो, मैंने मारा है क्या थप्पड़ उसको? मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा, आयशा पत। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप इस मुद्दे पे चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे, जब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती यार, आप मुझे बोल बोल के मैसेज भेज भेज के बोलने पे मजबूर कर देते हो। पता नहीं आपको शायद मेरी आवाज से बड़ा प्यार है या मेरे अंदाज से बड़ा प्यार है। सुनिए, मैं क्यों नहीं बोली, क्योंकि मुझे पूरा मुद्दा समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो गरम गरम बात थी, कंगना रनावत के थप्पड़ पड़ गया, उस लड़की ने मार दिया। क्यों मारा? ऐसे तो कोई भी जो एयरपोर्ट पे ये फौजियों वाली जो उसने ड्रेस डाली थी, मैं फौजी नहीं कहूंगी उसको, ऐसे तो कोई थप्पड़ नहीं मारता किसी को, कोई तो वजह रही होगी। तो बाद में सारा मुद्दा जब मैंने सारे इधर उधर फोन घुमाया, पूछा कि बीच वाली स्टोरी बताइए जी, मुझे वीडियो में बोलने का है, तो बातें निकली कि उस लड़की ने, कुलविंदर कौर ने, कंगना रनावत को सिर्फ ये बोला कि मैडम आपका पर्स, जो हैंड पर्स होता है लेडीज का, और फोन वो ट्रे में रख दीजिए। अब जो लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं उनको ये चीज पता होगा। तो ये कानून सभी के लिए लागू होता है, चाहे प्रधानमंत्री उस टाइम खड़ा हो वहां पे, चाहे कल एमपी है, एमएलए है, कमिश्नर है, कोई भी बड़ा ऑफिसर है, सबके लिए लागू होता है। अब उसने मेरे एटीट्यूड में, कंगना रनावत ने जवाब दिया कि तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं एमपी हूँ। अरे भाई अभी एमपी नहीं हो आप, आपने अभी तक ओथ यानी कि शपथ नहीं ली, और जब तक आप शपथ नहीं लेते हो तब तक आप एमपी नहीं हो सकते। सो पहली बात तो मुझे नहीं पता किसने एमपी बनाया इसको, क्योंकि ये थोड़ी मंदबुद्धि है, बहुत इसको हाइपर बहुत जल्दी होती है। चलो काफी देर बहस चली, उस लड़की ने बोला कि मैं, कुलविंदर कौर ने बोला कि मैं अपना काम कर रही हूँ भाई, ये मेरी ड्यूटी है, आप अपना पर्स और फोन स्कैनिंग में डाल दीजिए। तो कंगना ने एटीट्यूड, इंडस्ट्री में भी पता सबको किसको, यहाँ से थोड़ी साइको है ये, इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो इसने उस लड़की से पूछा, अच्छा नाम बता तेरा क्या है, यहाँ पे बैच लगा होता ना, तो बोला कुलविंदर कौर। ओ अच्छा, कुलविंदर कौर खालिस्तानी है। तो अब देखो ना, खालिस्तानी वाला मुद्दा आ गया ना उसके जुबान पर, इसका मतलब जिसके भी पीछे कौर लगता है या जिसके भी पीछे सिंह लगता है, आप लोग उसको खालिस्तान डिक्लेयर कर दोगे कि वो खालिस्तानी है। माना कि आप लोग बहुत नफरत करते हो खालिस्तानियों से, मैं भी, हमने खालसा राज बनाना है, मैं भी जट सिख फैमिली से हूं, और खालसा राज हमें कला पंजाब ने नहीं बनाना, हमने तो पूरे हिंदुस्तान में खालसा राज बनाना है, सब पे दिलों पे सिखों ने राज करना है, सबके दिलों पे दहशत नहीं डालनी हम सिखों ने, लोगों के दिमाग में, दिलों में। तो इसने जब बोला तू खालिस्तानी है, और इसने और भी उसको गंदी लिपि का जब प्रयोग किया, तो भाई बंदा देखो इंसान है, तो पेशेंस लेवल उसके बार कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, खासतौर जब औरत और औरत हो, एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो अपने उसने आप से बाहर हो गई कुलविंदर कौर, उसने चाटा लगा दिया। अब ध्यान आ रहा है उनके ऑफिसर, बड़े ऑफिसर का, कि वो माफी मांग रही है कि मैं भावना में बैगी थी, उसने बोला कि तूने वहां पे बोला कि वो जो किसान आंदोलन में औरतें बैठी हैं 100-100 रुपए लेके आती हैं, कहती उसमें मेरी माँ भी बैठी थी। चलो अब मैं दोनों पक्ष की बात करूंगी, ठीक है। तो देखा जाए तो कंगना रनावत ने उसकी माँ को टारगेट नहीं किया था, उसको उसकी माँ का नाम भी नहीं पता था, तो ये पर्सनल अटैक नहीं किया, उसने सभी औरतों को बोला था, उसको क्या पता था इसकी माँ वहां पे बैठी थी। रही बात 100-100 बात 100-100 रुपए में लेके आ जाती है ये, वो चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसने बोल दिया कि 100-100 पर हम वो पर्सनल रंजिश, अगर आपने देश की एक वर्दी अपने जिस्म पे डाली है, चाहे आप फौजी हैं चाहे आप पुलिस वाले हैं, आपको वर्दी से पहले एक ओथ उठानी पड़ती है। जैसे डॉक्टर लाइसेंस लेने से पहले ओथ लेता है कि मेरे पास मेरा दुश्मन भी मरता हुआ आएगा ना, मैं उसकी भी जान बचाऊंगा।
तो चलो उसने भावना में आके चांट लगा दी। अब उस लड़की पे कुलविंदर कौर पे तो सेक्शंस लगा दिए दो इन्होंने, तो कंगना पे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये भी एक सेक्शन बनता है कि अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई ऑफिसर बोलता है अपना पर्स और फोन चेक कराइए और आप इस चीज से रिफ्यूज करते हैं तो आपके ऊपर भी एक्शन बनता है। अब देखो जो मैंने ये बात कही हूँ, ये जो मैंने जो बात कहने जा रही हूँ, ये जो सुना है कि कंगना रावत और अमित शाह का बहुत अच्छे वाली फ्रेंडशिप है, समझते हो वो गुटरगू गुटरगू गुटरगू, हाँ तो वो उसका भाई लवर है, तो वो तो अपनी महबूबा को बचाने के लिए कुलविंदर कौर को तो ट्रबल देगा, पर मैं अपने भारतीय सेना से, अपनी भारत की जितनी फौज है, मैं उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज भारत की सारी भारतीय सेना, सारी फौजी जितने भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उस देश की बेटी कुलविंदर कौर का स्टैंड कीजिए, उसको वापस वो जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको अगर वो उसको जॉब वापस मिलती है, जॉब पे रखा जाता है, ये सबसे बड़ी फौजियों की जीत होगी, सबसे बड़ी वो पंजाब की बेटी की जीत होगी। आप लोगों को ये लग रहा था कि शायद मैं कंगना के हक में डालूंगी, नहीं, वो मैंने पहले बोले मेरे ताए चाचे मामे किसी की बेटी नहीं हो और ऐसी औरत मेरी कोई रिश्तेदार नहीं हो सकती है जो आता अपने बॉयफ्रेंड बदल लेती हो, फिर उनसे महंगी महंगी शॉपिंग लेती हो, जिसका एक कहते हैं कि एक चुंबन भी 5 लाख में बिकता है ऐसी औरत से हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। अब अमित शाह की कहते हैं कि कंगना रनावत गर्लफ्रेंड है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये लोग, ये समाज, ये दुनिया, कमबख्त ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती। अब मोदी जी आप बताइए, आप तो बड़े बड़े भाषण देते हैं भारत पर, मेरा भारत, मैं भारत के लिए ये करूंगा, मैं भारत के लिए वो करूंगा, अब भारत की एक बेटी जिसने भारतीय भारतीय सेना में भारतीय वर्दी डाली है, फौजियों की भारतीय होने के फर्ज निभाया, आप लोगों ने उस पर सेक्शन लगा दी, उसको सस्पेंड कर दिया। मोदी जी ये तो बड़ी शर्मनाक बात हुई, उस बेटी को उसकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि कंगना रंगावट के मुंह पे सबसे बड़ा वो चमाट होगा ना, वो ये होगा कि उसको उसकी जॉब वापस मिली है। अब कंगना ने बयान भी दिया कि मैं वहां से जा रही थी, किसी ने मुझे हिट कर दिया, यहाँ पे हिट नहीं मैम, थप्पड़ मारे हैं, पंजाबी हिंदी में चांटा लगाया, लाफा लगाया, तो ये देखो ये उग्रवाद नहीं, तो क्या आप मैम आप हम पंजाबियों को उग्रवाद नहीं बोल सकते हैं, दिस इज नॉट कॉल्ड टू उग्रवाद, ये उग्रवाद नहीं है, अगर आप कानून की उल्लंघना करेंगे एयरपोर्ट पर या किसी भी सरकारी मुलाजम के साथ आप ऐसे बदतमीजी से बोलेंगे और अपद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, मैम अब एक थप्पड़ पड़ा है, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं 3 4 खींच के लाके के मुंह लाल कर देती, उसने तो शुक्र करो आपको सिर्फ एक ही मारा है। कंगना रनौत इंडस्ट्री की एक वो लेडी है जिसको कोई प्यार नहीं करता, जिसे कोई पसंद नहीं करता, जितने भी बॉयफ्रेंड इसके रहे हैं सबको इतना इसने इसको साइको प्रॉब्लम से इतने बॉयफ्रेंड्स को इतने तंग किया, उनको कमरे में बंद कर देना, उनके फोन चेक करना, उनको इतना मेंटली हैरेसमेंट, इवन कि ऋतिक रोशन से भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ऋतिक रोशन इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, आज ऋतिक उसके साइड में खड़ा हो गया, ऋतिक से पूछिए सवाल जरा कि भाई तू कितना दूध का धुला है, तू भी तो अपनी बीवी छोड़ के कोई और, वो पहले कंगना के साथ अब एक और छोटी उम्र की लेके घूम रहा, भाई तू पहले लोगों को बयान दे रहा है कंगना ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया, मुझे साइकोपन में मुझे मार दिया, मुझे ऐसा कर दिया है, मेरा दिमाग मुझे डिप्रेशन कर दिया, आज तो फिर उस साइको की स्टैंड में खड़ा हुआ है, भाई तू लोगों को स्टैंड है, साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, साइकिल में 2 3 स्टैंड लगाओगे तो साइकिल ढंग से नहीं खड़ा होगा, चलाओगे तो वजनदार हो जाएगा, तो साइकिल का एक ही स्टैंड होता है और एक पे लगता है, तुम लोगों के सालों कितने स्टैंड है। तो जो कुलविंदर कौर ने किया ठीक है, थोड़ा भावना में बह के उससे चांटा लग गया, पर वर्दी ये अलाउ नहीं करती थी, पर देखो जी हम इंसान है ठीक है, और कई बार इंसान अपने इमोशंस को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सो मेरी ये प्रार्थना है सारे फौजियों से कि इस बहन को इसकी जॉब वापस मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।